हेलो दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का ऑलटेक यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं टॉप 10 ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में, यानी कि आप लोगों को पता चलने वाला है बहुत ही कमाल के हाई ग्राफिक्स ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में, जिन गेम्स के अंदर ढेर सारा एक्सप्लोरेशन देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं वो कौन से गेम्स। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे धमाकेदार सीरीज़ के सबसे पहले गेम की जो निकल के आता है, हॉरर फॉरेस्ट 3। अब ये बहुत ही कमाल का सर्वाइवल गेम होने वाला है। अब ऐसा क्यों है? अब अगर हम डेवलपर्स की माने जिन्होंने इस गेम को बनाया है, तो उनका कहना है कि ये इकलौता ऐसा गेम है जो बिलोंग करता है MMORPG की कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर आप अपने दोस्तों के साथ ज़ॉम्बीज से फाइट कर सकते हैं। यानी कि पहला ऐसा एंड्रॉयड गेम जिसमें आप 8 प्लेसेस जा सकते हैं और फाइट करेंगे ढेर सारे ज़ॉम्बीज से, खतरनाक क्रिएचर से, म्यूटेंट से, अपनी वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हरा देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपका सामना होगा बड़े बड़े बॉसेस से, यानी कि इसमें बॉस फाइट भी आने वाली है। आप लोगों को नए नए लोकेशन देखने को मिल जाएंगी जिन्हें आप लोग एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स मिलेगी और ढेर सारा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। यानी कि आप लोग अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से अपग्रेड कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को बीच बीच में स्टोरी के इवेंट्स दिखाए जाएंगे, जैसे कि चारों तरफ आपको तबाही देखने को मिल रही है, सभी चीज़ें ख़त्म हो रही है, और आप लोगों को गेम जब स्टार्ट होता है तब आपके पास होती है एक सिंगल स्टिक, और उसी के साथ आपको गेम में आगे जाना है, बहुत सारी चीज़ों को क्राफ्ट करना है और सर्वाइव करना है। और चलिए दोस्तों, ये तो थी फर्स्ट गेम की बात, अभी और भी बहुत सारे गेम्स को आना बाकी है, तो आराम से इस वीडियो में हमारे साथ स्टे ट्यून रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई लोग जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सीरीज़ के सेकंड गेम की, जो निकल के आता है माई टाइम एट पोल्टिया। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का एडवेंचर गेम होने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को एनिमेटेड स्टाइल्स की ग्राफिक देखने को मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गेम आपको सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका PC या फिर कंसोल्स। तो ये कितनी अच्छी बात है कि अब ये गेम आप अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस में भी प्ले कर पाएंगे। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि ये गेम फ़िलहाल अभी एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ही वेट करना है, फिर ये गेम एंड्रॉयड डिवाइसेस पे लॉन्च कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर आसानी से आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ आपसे इसके गेम प्ले एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर आपको बहुत सा क्यूट सा कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, जिसको आपको ले जाना है एडवेंचर के सफ़र पर, जहाँ पर आप लोगों को सामना होगा ढेर सारे एनिमीज से, आपको सॉल्व करना होगा बहुत सारे पजल्स, और पूरे की पूरे ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना होगा ट्राइसेस और कमाल के क्वेस्ट के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस सीरीज़ के थर्ड गेम की, जो निकल के आता है क्रैश मेटल। अब दोस्तों, ये बिल्कुल नया गेम है जो हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए, और इस गेम के ग्राफिक साइज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस गेम का साइज़ है 232 MB, और इस गेम को आप दोनों ही तरीक़ों से प्ले कर सकते हैं, यानी कि आप इस गेम को ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीक़ों से प्ले कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन बैटल्स देखने को मिल जाती है, ढेर सारी ये रेसेस देखने को मिल जाएगी जिसमें आप लोग कंप्लीट करेंगे फर्स्ट प्राइज़ के लिए। और अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग पसंद है, तो भाई ये गेम आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है ओपन वर्ल्ड सिटी, यानी कि ऐसा ओपन वर्ल्ड जिसमें आप अपनी कार्स को लेके कहीं पे भी जा सकते हैं। आप लोगों को फुल्ली कस्टमाइजेशन और अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यानी कि आप अपने हिसाब से अपनी कार्स को कस्टमाइज़ कीजिए, उसके इंजन को, उसके सस्पेंशन को प्रॉपर तरीके से ट्यून कीजिए। और खैर चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सीरीज में आने वाले फोर्थ गेम की, जो निकल के आता है शैडो ऑफ कंगास। अब ये भी बहुत ही कमाल का एडवेंचर ओपन वर्ल्ड गेम्स होने वाला है, जहाँ पे एक्चुअली में आपको गोल होने वाला है सर्वाइव करना, बिकॉज आप लोग ऐसी डेंजरस प्लेस में होने वाले हैं जहाँ पे आपको चारों तरफ खतरनाक लोकेशन देखने को मिलेगी, बहुत सारे एनिमीज आने वाले हैं, मॉन्स्टर्स वगैरह देखने को मिलेंगे जिनसे आपको बचना होगा। मॉन्स्टर से फाइट करते करते रास्ते का पता लगाना है कि किस तरह से आप यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये कैसे करने वाले हैं, तो एक्चुअली में आप लोगों को करना क्या होगा, हंटिंग वगैरह करनी होगी, सभी रिसोर्सेज और सप्लाईज़ को कलेक्ट करना होगा, खुद की स्टोरी बनानी होगी, और एक ख़तरनाक असाइलम तक तैयार करना होगा, ताकि दोस्तों जितनी भी मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज आपकी तरफ आते हैं आप उनसे बच पाए। और हाँ दोस्तों, रिक्वायर्ड टूल्स और वेपन्स को बनाना मत भूलिएगा, ताकि आप आसानी से उन सभी लोगों से फाइट भी कर लेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ इस गेम के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को 3 अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों एक स्टोरी मोड जिसके अंदर आप लोगों को कंपेन और स्टोरी दी जाती है,
और उसके बाद में आता है एडवेंचर और सर्वाइवल मोड। सो आप लोगों को जो भी कैटेगरी पसंद हो उसको सेलेक्ट कीजिए और निकल जाइए दोस्तों एडवेंचर के सफ़र पर। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सीरीज़ में आने वाले फिफ्थ गेम, जो निकल के आता है जेंसन इम्पैक्ट। अब इस गेम के बारे में आप लोगों को क्या बताऊं, बिकॉज इस गेम में आपको वो सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो आप एक ओपन वर्ल्ड गेम से डिमांड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही बड़ा वेस्ट मैप जिसके अंदर आप लोगों को ढेर सारा एक्सप्लोरेशन देखने को मिल जाएगा, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल की ग्राफिक्स। जी हाँ, ये गेम आप लोगों को ऑलरेडी कंसोल्स और पीसीज पर देखने को मिल जाता है और जैसे ग्राफिक्स आप लोगों को वहाँ देखने को मिलती है बिल्कुल सेम वैसे ही ग्राफिक्स आपको एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि एक अच्छी ग्राफिक्स होने वाली है। कमाल का स्टोरी मोड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जिसमें एंगेजिंग कैरेक्टर्स होने वाले हैं, आप लोग उनसे जुड़ जाएंगे, उनकी स्टोरी में खो जाएंगे। और इस गेम के साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये गेम लॉन्च होने वाला है 28 सितंबर को, तब तक आप लोगों को इस गेम को प्री रजिस्टर करना है, बस थोड़ा सा वेट करना है और इसके बाद में फाइनली ये गेम आ जाएगा और जितने के पास में हाई एंड्रॉयड डिवाइसेस है वो लोग इस गेम को आसानी से प्ले कर पाएंगे। और खैर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं हमारे सीरीज़ में आने वाले सिक्स्थ गेम की, जो निकल के आता है द हंटर 3D। द हंटर 3D दोस्तों बिल्कुल नया गेम है द हंटर सीरीज़ में, यानी कि यहाँ आपको जानवर वगैरह को हंट करना होता है। ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारे गेम्स प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाते हैं इस कैटेगरी के अंदर, लेकिन सभी गेम्स की ग्राफिक्स आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे इस गेम से तो आपको इस गेम की ग्राफिक्स बहुत अच्छी मिल जाएगी, साथ ही साथ में जो आसपास की लोकेशंस होने वाली है वो भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करता हूँ इस गेम की साइज़ की तो वो होने वाला है दोस्तों 250 MB, यानी कि इतने कम साइज़ में एक बहुत ही अच्छा हंटिंग गेम आपको मिलने वाला है। और चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एक सुपर हीरो गेम की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक सुपर हीरो गेम को भी मैंने इस सीरीज़ में इंक्लूड किया है और वो है हमारा 7th नंबर का गेम मार्वल फ्यूचर रिवॉल्यूशन। और ये पहला मार्वल गेम होने वाला है दोस्तों जो बिलोंग करने वाला है RPG खतरनाक ओपन वर्ल्ड एक्शन कैटेगरी को, यानी कि यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट भी देखने को मिल जाएगा, सारे के सारे मार्वल के कैरेक्टर्स मिलेंगे और बहुत ही तगड़ी फाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। सो भाई लोग, अगर आप मार्वल के फ़ैन हैं तो ये गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। लेकिन इस गेम में भी वही प्रॉब्लम निकल के आती है कि अभी एंड्रॉयड वैसे भी लॉन्च नहीं किया गया है और अभी हम लोगों को इसकी रिलीज डेट के बारे में भी कुछ नहीं पता है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि दोस्तों ये गेम आप लोगों को इस साल के एंड तक यानी कि 2020 में ही देखने को मिल सकता है। जब भी ये गेम आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे हम जब भी मार्वल से रिलेटेड या फिर किसी भी गेम्स की कोई अपडेट्स आती है तो आप हमारे चैनल पे देख पाए सबसे पहले। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे गेम की जो बिल्कुल टिपिकल GTA स्टाइल जैसे होने वाला है, यानी कि दोस्तों हमारे सीरीज का 8th नंबर का गेम ग्रैंड क्रिमिनल ऑनलाइन। बिकॉज जब भी ओपन वर्ल्ड गेम की बात करते हैं तो GTA हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है और उसी टाइप का सिमिलर गेम आपको देखने को मिल जाएगा ग्रैंड क्रिमिनल ऑनलाइन। बस इस गेम में एक ही प्रॉब्लम है कि इस गेम को दिखाया गया है अपर व्यूइंग एंगल से, जैसे कि आप लोगों को GTA चाइनाटाउन में देखने को मिल जाता था, लेकिन उसके बावजूद इस गेम की ग्राफिक्स बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। ढेर सारे मिशंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप लोगों को कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ में वही माफिया वाला एनवायरनमेंट, कार्स वगैरह आपको लोग चुरा सकते हैं, गलतियां करेंगे तो पुलिस आप लोगों के पीछे पड़ जाती है। और चले खैर दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सीरीज़ के सेकेंड लास्ट गेम की, जो निकल के आता है STL Live। अब जैसा कि दोस्तों हमें इस गेम के नेम से ही सारी की सारी कहानी का पता चल जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना है और ये जो सफ़र होगा उतना आसान नहीं होने वाला है, बिकॉज़ आप लोगों का सामना होगा ढेर सारे जॉम्बीज से। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको वही सब देखने को मिल जाएगा, दुनिया ख़त्म होने वाली है, सभी लोग जॉम्बीज बनते जा रहे हैं, उन लोगों ने आपको गलती से देख लिया तो वो आपके ऊपर भी अटैक कर देंगे। आपको करना क्या है, आपको उनसे बचना है, वेपन्स वगैरह क्राफ्ट करनी है। जी हाँ दोस्तों, इस गेम में आपको रियल वेपन्स देखने को मिल जाएंगी जैसे कि AK-47, उन को आप क्राफ्ट करेंगे, अपने आर्मर को भी क्राफ्ट करेंगे, अपना खुद का एक शेल्टर बनाएंगे और सरवाइव करेंगे। और अब फाइनली दोस्तों वक्त आ गया है हमारे सीरीज को एंड करने का, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो भाई लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सीरीज के आने वाले लास्ट गेम की, यानी कि हमारे 10th नंबर का गेम निकल के आता है ड्राइविंग स्कूल सिमुलेटर। अब ये गेम भी अभी हाल फिलहाल में ही एंड्रॉयड डिवाइसेस में देखने को मिला है, जहाँ पे आप लोगों को ड्राइविंग करने के लिए दी जाएगी, यानी कि 150 से भी ज़्यादा व्हीकल्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी, जिनमें से आप लोगों को जो भी पसंद करते हैं उनको सेलेक्ट कीजिएगा और लेके निकल जाइएगा ओपन वर्ल्ड सिटी में ड्राइव करने के लिए। सिमुलेशन गेम है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे कंट्रोल्स मिलेंगे और आपको ऐसे फील होने वाला है जैसे आप रियल वर्ल्ड में ड्राइव कर रहे हो। अगर मैं बात करूं गेम के ग्राफिक्स की तो वो आपको डिसेंट लेवल की मिलेगी। गेम का साइज है दोस्तों 768 MB,
ये गेम आप लोगों को ऑफलाइन भी प्ले कर सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों कंट्रोलर सपोर्ट, यानी कि अगर आपके पास कंट्रोलर है तो उससे भी आप लोग प्ले कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड भी देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन रेसेस भी हैं, 80 से ज़्यादा चैलेंज मोड दिए गए हैं जिन लेवल्स को आपको कंप्लीट करना होगा। यानी कि इस गेम में आपको सिर्फ और सिर्फ ओपन वर्ल्ड ही नहीं बल्कि लेवल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों ये थे वो सारे के सारे वीडियोस, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए, बिकॉज हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियोज़ में, टिल देन कीप वॉचिंग ऑल टेक, गुड बाय।